तो गुर्जर आंदोलन को लेकर अलवर में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। एहतियातन के तौर पर अलवर के कुछ स्थानों पर इंटरनेट सेवा को एक दिन के लिए बंद किया गया है। वहीं अलवर के गुर्जर बाहुल्य इलाकों में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा नटनी का बारा में गुर्जर समाज की प्रस्तावित मीटिंग के मद्देनजर पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि अलवर में कहीं भी कोई अप्रिय बात सामने नहीं आई है। एसपी ने सभी लोगों से शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की है। देखिए, अलवर में काफ़ी जगहों पर गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर हमने जो लोकल लीडर्स हैं, जो इस समाज विशेष के गणमान्य व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत की है। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा है कि वो कानून को अपने हाथ में लेने की या कोई उग्र प्रदर्शन करने की बात अभी तक सामने नहीं आई है अलवर ज़िले में। परंतु सबसे यही आग्रह किया गया है कि कोई भी डिमांड या कोई भी किसी भी तरीके का जो लक्ष्य या धरना प्रदर्शन है, वो अगर डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर होता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर लोगों के दूसरे अधिकारों के हनन की बात आती है या कानून को अपने हाथ में लेने की बात आती है, तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जाएगी और ज़रूर विधिवत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी कारण को देखते हुए एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो अपने चिन्हित जहाँ पे गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे किया गया है, QRT की टीम्स डिप्लॉय की गई हैं और हमने एक्स्ट्रा बल भी PSQ से मांगा है। इसमें जो वर्तमान में जो गुर्जर आंदोलन चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में प्रशासन ने संवेदनशीलता रखते हुए जो समुचित व्यवस्थाएं करी हैं, इसमें जिला कलेक्टर महोदय और जिला SP साहब दोनों ने मिलकर जो निर्देश जारी किए हैं उसमें सब कुछ हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं वो शांतिपूर्ण चले, निर्विघ्न रूप से आम जनता को कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए जैसे नेट की सेवाएं हैं वो भी एक बार माननीय संभाग आयुक्त महोदय के आदेश के अनुक्रम में डिलीट की गई है, जिसमें मेन जहाँ पर हमारे संभावनाएं हैं और उसमें जैसे ये जो थानागाजी वाला क्षेत्र है, मालाखेड़ा का क्षेत्र है, पहला का क्षेत्र है, नारायणपुर है और पार्ट ऑफ जो अलवर सदर थाना है उसमें नेट सेवाएं आज रात तक 12 बजे तक बंद की गई।